हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मानो हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। हरियाणा में एक भी भर्ती सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इस बार 816 शिक्षकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को फटकार लगाई है, 1,00,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है कि आप भर्ती प्रक्रिया सही से नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट सही से नहीं निकाल रहे हैं। इससे पता चलता है कि हरियाणा सरकार सुनियोजित तरीके से हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने की साजिश रच रही है। 40 पेपर लीक हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। अगर आप देखें, कोई भी परीक्षा सही ढंग से हरियाणा सरकार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नहीं करवा पा रहा है। जिन परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाते हैं उनमें बच्चों का भविष्य बर्बाद, जो नौकरियां दी जा रही हैं उसके बाद एडवर्टीजमेंट वापस ले ली जाती है, बच्चों का भविष्य बर्बाद। अगर क्लास 4 के लिए भी कोई वैकेंसी निकलती है तो लाखों युवा उसके लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें पीएचडी भी होते हैं, मास्टर्स भी होते हैं। इतनी बुरी हालत बेरोजगारी की हरियाणा के अंदर कर दी है खट्टर सरकार ने। देश में नंबर 1 हरियाणा हो गया है बेरोजगारी में। ऐसी हालत युवाओं के रोजगार की खट्टर सरकार ने कर दी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर 2,00,000 सरकारी पद खाली हैं हरियाणा सरकार के अंदर, 2,00,000, 25,00,000 युवा बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर। अगर आप देखें तो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 70,000 के आसपास वैकेंसी है उस एजुकेशन डिपार्टमेंट और उससे रिलेटेड विभागों में। अगर 4,500 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है, 30,000 से ज्यादा स्कूलों के अंदर पोस्ट खाली है। आप अगर देखें तो पूरे हरियाणा को एक सुनियोजित तरीके से हरियाणा के युवाओं को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जब एक युवा ने मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री जी रोजगार दे दीजिए, हमें नौकरी चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सब्जी बेच लीजिए आप, वो भी एक रोजगार है। मुझे लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पर जो युवाओं के रोजगार मांगने पर उनको सब्जी बेचने की सलाह देता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।